वैसे भी जब आप बाद में आए तो आदाब मस्जिद ये है कि लोग अगर सफों में बैठ चुके हों तो कांधों को फलांग करके आप नहीं आ सकते। जगह खाली हो तो अलग बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सफों को फलांग कर आता है वो जहन्नम की आग को फलांगता है। और एक दिन तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या तूने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? तब हुरैरा इस करते हैं, हुजूर मैंने आपके पीछे ही तो पढ़ी है। फिर पूछा, क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? या रसूल अल्लाह, मैंने आप ही के पीछे नमाज पढ़ी। फिर पूछा कि क्या तुमने जुमा नहीं पढ़ा आज? तो अस की हुजूर कोई गलती हो तो आप फरमा दें, समझ गए। और फरमाया, मैं देख रहा था कि तुम बाद में आकर लोगों को फलांग कर आगे आ रहे थे। तो जो लोगों को फलांग कर आता है वो जहन्नम की आग फलांग कर आता है। बाद में आकर आगे आने की इजाजत सिर्फ उसको है जो मस्जिद का इमाम है, कि वो तो वो नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बाकी और किसी को इजाजत नहीं। इसका ख्याल रखें।